तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। भारत ने रोमांचक मैच में मिली 9 रंगों से हार, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 18वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रंगों से हराई और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप ये लगातार 15वां जीत है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हरदीप प्रीत ने खेली 54 रन की पारी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में भारतीय की ये दूसरी हार है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब 2 ही टीम को हराना पड़ेगा। पहला टीम है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अगर भारत इन दोनों को टीमों को अगर हरा देती है तो अपना सेमीफाइनल में भारत जगह बना लेंगी। वह इन दोनों को अगर नहीं हराती है तो सेमीफाइनल से बाहर इंडिया टीम हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। रेणुका सिंह ने पहले पावर प्ले में भारत को 2 सफलता दिलाई। एलिस पेरिस ने 15 रन का योगदान दिया। अंत तक एडेट डेरिक्स 15 रन मारकर टीम का स्कोर के लगभग 150 के पार कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने धीमी शुरुआत की। सैफली वर्मा ने 20 रन बनाए और स्मृति बंद्रा ने 6 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 29 रन की पारी खेली और जैस्मिन 16 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान हरप्रीत सिंह ने अंत तक नाबाद पारी खेलते हुए 54 रन बनाकर लौटी। भारत सेमीफाइनल खेले या ना खेले अब किस्मत के हाथ में है, क्योंकि उसे आगे चलकर 2 भारी टीमों से उलझना पड़ेगा। पहला टीम है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच तय हुआ है और इन दोनों टीमों को हराकर ही सेमीफाइनल में पहुंचेगी, वरना सेमीफाइनल से इंडिया टीम बाहर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रनों से हराया। इस जीत से पहले ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुँच गई थी। भारत ने आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन बनाने थे, जिसमें से लगातार 4 विकेट गिर गए और कप्तान हरप्रीत सिंह को बैटिंग नहीं मिली और ये स्ट्राइक पर नहीं पहुंची, इसीलिए ये नाबाद खेलकर वापस लौट आई। भारत के हरप्रीत कौर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत के लिए जीत के लिए 7 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। 19वां ओवर समाप्त होने के बाद हरप्रीत वर्मा ने 52 रन पर खेल कर रही थी। 19वां ओवर के बाद भारत का स्कोर लगभग 138 स्कोर पहुंच गया था और यहां पर जीत के लिए हमें 12 रन ही चाहिए थे, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई कि 3 विकेट लगातार विकेट गिरने के कारण भारत सेमीफाइनल से बाहर हो।